और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तरकाशी, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाली चाहे हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हो, चाहे हमारे उपनल के कर्मचारी हो, चाहे जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे उत्तराखंड के आंदोलनकारी हो, चाहे हमारे पीआरडी के जवान हो, भोजन माताएं हो, चाहे हमने नए खिलाड़ी भाइयों के लिए नई खेल नीति लाने का मामला हो, हर क्षेत्र में हमने केवल घोषणाएं नहीं करी, उन घोषणाओं के साथ साथ हमने उनके सबके शासनादेश भी निकाले हैं। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, मैं जहां भी जाता हूं मुझसे पत्रकार बंधु पूछते हैं, कहते हैं काम अच्छा कर रहे हो लेकिन आपको थोड़ा समय कम मिला। अब इसमें मैं उनसे यही कहता हूं कि जितना समय मिला है मैंने कोशिश करी है कि एक पल और एक एक क्षण आप सबको समर्पित करूं, अपने उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों को समर्पित करूं। हम नई खेल नीति लेकर आए और नई खेल नीति में हमने प्रावधान किया है कि हमारे यहां पर जो हमारे खिलाड़ी भाई जो खेलने के लिए जाते हैं, जब उनको पदक मिल जाता है, कोई वो अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं तो पूरे देश भर से उनको पुरस्कार देने वालों की लाइन लग जाती है, लेकिन जब तक उनको पुरस्कार तक पहुंचने तक उनको तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तमाम संघर्षों का सामना करना पड़ता है। हमने तय किया हमारी सरकार ने, हम नई खेल नीति में अब जो भी बच्चा जो योग्य होगा, जिसके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, आगे बढ़ने का एक हुनर होगा, अब उसको कोई रोक नहीं सकता। हमने सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था कर दी है कि उसको खेलने जाने के लिए सारी व्यवस्था करेगा। हमने युवाओं के लिए पहले दिन से, जिस दिन मैंने 4 जुलाई 2021 को हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया, मुझे मुख्य सेवक के रूप में जिस दिन से काम करने की जिम्मेदारी मिली, सबसे पहले हमने तय किया कि हमारे यहाँ पर 24,000 पद जो सरकारी नौकरियों के खाली हैं, हम उन सारे पदों को भरेंगे। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सारे पदों पर भर्ती की प्रक्रिया बहुत तेजी से गतिमान है, बहुत तेजी से उसकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, और रात के 12 बजे तक और 1 बजे तक भी आज लोक सेवा आयोग के कार्यालयों में काम चल रहा है। पहले दिन से हमने एक सरलीकरण का मंत्र दिया था, सारे विभागों को हमने निर्देशित किया कि हमारे अधिकारियों के पास, हमारे जिलों के अधिकारियों के पास अगर आप कोई काम लेकर जाएंगे तो उसका सरलीकरण होना चाहिए। हमने मंत्र दिया था सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारीकरण का मंत्र। इन तीन मंत्रों के आधार पर हमने काम करना शुरू किया। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि चुनाव आचार संहिता अगले कुछ ही दिनों में लगने वाली है, लेकिन रात को चाहे 10 बजा होगा या 11 बजे होगा, हमारे मुख्य सचिव समेत सारे लोग अभी तक अपने दफ्तरों में काम कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है, अन्यथा 1 महीने पहले 2 महीने पहले सारे सचिवालय बंद हो जाया करते थे, सारे दफ्तरों में ढिलाई हो जाती थी। भाइयों बहनों, हमने हमारे नौजवान भाई, हमारी बहनें जिनको परीक्षाओं में पिछले कोरोना महामारी के कारण से शामिल होने का अवसर नहीं मिला, उनके लिए हमने तय किया कि 1 साल हम आयु सीमा बढ़ाएंगे, और हमने 1 साल आयु सीमा बढ़ाई है। इसके साथ साथ जितने भी आवेदन पत्र भरे जाने हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है, उन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के हमने ये तय किया, हमारी सरकार ने तय किया कि हम उनसे कोई आवेदन शुल्क नहीं लेंगे, सारा का सारा हमने निःशुल्क किया है। इसी प्रकार से एनडीए और सीडीएस की परीक्षा में, जो भाई बहन लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, सिविल सर्विसेज की परीक्षा में, हमारे अधीनस्थ सेवा चयन की परीक्षा में, जो भी इस परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लेंगे, उसके बाद उनको कोचिंग करने के लिए, अपने किताबों के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए अब उनको कहीं देखना नहीं पड़ेगा। उनके लिए हमने व्यवस्था की है कि 50,000 रुपए सरकार की तरफ से हमारी सरकार उनके लिए व्यवस्था करेगी। ऐसे बहुत सारे काम अभी हमने कल की कैबिनेट में, हमारे जो सफाई कर्मचारी थे उन सफाई कर्मचारी भाइयों का
हमने 500 रुपए पर डे का जो है मानदेय बढ़ाने का हमने फैसला किया है। इसी प्रकार से हमारे शिक्षा मित्रों का हमने महीने का जो उनको 15,000 मानदेय मिलता था उस मानदेय को 20,000 रुपए करने का निर्णय लिया है। पहली कैबिनेट में हमने अतिथि शिक्षकों के लिए 15,000 से 25,000 करने का निर्णय लिया। हम आप पिछले साल जो हमारी चारधाम यात्रा नहीं चल पाई उस चारधाम यात्रा से मैं जानता हूं मेरे उत्तरकाशी के भाई बहन भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, उनके ऊपर भी उसकी मार पड़ी थी। इसलिए हमने एक 200 करोड़ रुपए का पैकेज पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए हमने घोषित किया था, और केवल ये घोषित ही नहीं किया, सबके डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हमने पैसा डालने का काम किया है, लगातार पैसे जा रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए कोरोना महामारी के समय में, इस समय में सरकार के सामने भी बहुत दिक्कत है, बहुत सारे रेवेन्यू के जो स्रोत हैं वो बंद हो गए हैं या कम हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने तय किया कि हमारी सरकार आप सबके सहयोगी के रूप में, आपके साझेदार के रूप में आगे आएगी। और हमने 205 करोड़ रुपए का पैकेज जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे आशा हो, आंगनबाड़ी हो, हमारी जो है हेल्थ वर्कर हो, फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर हो, उन सभी के लिए घोषित किया है। इसी प्रकार से जो मैं देख रहा हूँ इसमें हमारी मातृशक्ति में जहां भी जाता हूँ बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आती हैं और सब जगह मुझे धन्यवाद करती हैं, जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम करती हैं, हमारे आजीविका मिशन के तहत काम करती हैं, ग्राम संगठनों के स्तर पर काम करती हैं, उनके लिए हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज हमने उसके लिए घोषित किया है। भाइयों बहनों, अभी पिछले दिनों मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए पहले दिन हमने 15 अगस्त 2021 को मैंने घोषणा की थी कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जो 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले हमारे छात्र और छात्राएं हैं और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले जो हमारे छात्र हैं